हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशांक रावले। आज का मैं वीडियो जो है ये मैं हिंदी और इंग्लिश में बोलने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज अ कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर एवरीवन। एंड टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रोफेशन, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग देखे फ्रेंड्स जो जिनके पास पैशन होता है या फिर कुछ करने का टैलेंट भी होता है, हुनर भी होता है, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर या फिर उनको कुछ डर लगता है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इसकी वजह से वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। जिनको मे बी डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, राइट, वी आर एक्सपर्ट्स इन टू स्टॉक मार्केट, दैट एवरीवन नोज, राइट। सो उनको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनको कुछ फैमिली प्रेशर होता है या फिर फाइनेंशियल इश्यू होता है। मानता हूँ फाइनेंशियल इश्यू सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में ही अगर आप पैशन के साथ जियोगे और पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करोगे तो जो आपको सक्सेस मिलेगी शायद ही आपको जॉब या कोई और दूसरा कोई बिजनेस करने पर मिल सकती है, राइट। जो कि मैंने अपने खुद के लाइफ में मैंने चीज हासिल की है, एंड दैट्स द रीजन आई एम एबल टू स्पीक ओएम। आई थिंक आपको भी मैं उसी तरह से मैं गाइडेंस दूं, सो दैट्स व्हाई मैं वीडियो फ्रेंड्स बना रहा हूं। तो याद रखिए व्हाट यू हैव टू डू, जैसे मैंने खुद ने भी किया, मानता हूं कि अगर आपको फैमिली प्रेशर है आप एजुकेशन तो कीजिए, साथ में आप जॉब भी कर सकते हो, राइट। बट प्लीज वॉट एवर पैशन यू हैव, वॉट एवर टैलेंट यू हैव, स्पेशली जिसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको प्लीज ना छोड़े। बिकॉज याद रखिए कि आज जॉब तो बहुत सारे लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आज टैलेंट की कमी है। अगर आप अपने जो पैशन है उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो, शायद आप बड़ा बिजनेस खड़ा करते हो, तो क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद ही जॉब कर रहे हो तो आप किसी कंपनी पे बर्डन हो जाते हो। तो शेष मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जाना है। बिकॉज याद रखिए फ्रेंड्स, होता ऐसे है कि आज बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, या फिर जितनी वो सक्सेस पाना चाहते हैं उतनी वो नहीं पा सकते। वाय, ये नहीं कि उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में कोशिश की और वो उसमें फेल हुए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट दे डोंट इवन ट्राई ऑल्सो, राइट। वाई, बिकॉज दे गेट स्केयर्ड दैट इफ आई फेल देन व्हाट, कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उस डर से वो पहली स्टेप ही नहीं उठाते। तो अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको एक स्टेप आगे जाने के लिए मैं जरूर हेल्प कर पाऊंगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। सो याद रखिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने तो डायरेक्टली प्रोफेशन में आ गया मैं मेरे पैशन से, बट अब क्या करना है, आप जॉब बिजनेस कर सकते हो, आप साइड बाय साइड जॉब कर सकते हो, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टाइम, आपका जॉब का टाइम कुछ भी हो, लेकिन आपका एक स्पेसिफिक टाइम आपके पैशन के लिए आपको साइड में हर रोज निकालना ही निकालना है। आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप खाना खाने के लिए टाइम निकालते हो, आप सोने के लिए टाइम निकालते हो, राइट, तो आप पैशन के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। सो अगर आप कोशिश करोगे तो आप जरूर निकाल सकते हो, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपके पास भले टाइम होगा तो भी आप टाइम शायद निकाल नहीं सकते। तो आपको हर रोज एक स्टेप आगे जाना है, जैसे मैंने खुद किया था, मैं हर रोज जो है अपना टाइम जो है पैशन के लिए देता ही था, और उसमें से मे बी आप कुछ प्रैक्टिकल कुछ काम करो, व्हाट एवर पैशन यू हैव, उसके अंदर प्रैक्टिस करो, उसके अंदर यूट्यूब पे नॉलेज लो, बुक्स पढ़ो, और पहले तो थियोरेटिकल प्रॉपर नॉलेज लो, या फिर आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज है वो लिखकर निकालो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करना है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आप फायदा दे सकते हो, तो धीरे धीरे जो पास के लोग हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रिटर्न्स, मतलब आप उनके पास से कोई फीस नहीं लेना है, राइट। पहले तो अपने जो मैंने भी खुद किया था, जो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, स्टार्टिंग में मैंने अपने फ्रेंड्स को और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए थे, और मैंने फ्रेंड्स को अपने टेक्निक्स सिखाए थे और उनको अच्छा फायदा होने लगा, राइट, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मनी। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले पैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है तो मुझे पैसा आना चाहिए। याद रखिए पैसे से ज्यादा पहले अपना बेस परफेक्ट करो, इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपके कोई टक्कर में हो ही ना। जैसे आज मैं हूँ स्टॉक मार्केट में, मेरा काफी अच्छा नाम है, इवन यू नो दैट मेरा मुझे डॉक्टरेट मिल चुकी है, नाउ आई एम डॉक्टर शशांक रावले, राइट, स्टॉक मार्केट में डॉक्टरेट मिल चुकी है, बिकॉज मैंने पैशन जिया, एंड मेरे लाइफ के इनिशियल स्टेज में मैं पैसे के पीछे नहीं तो मैं एक्सेलेंस के पीछे भागा, पैसा अपने आप पीछे आया और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आया, बिकॉज मैंने अपने पैशन को जिया, राइट, और मैंने एक्सेलेंस के पीछे भागा। सो वही सेम चीज आपको करनी है कि उसके अंदर पहले परफेक्ट हो जाइए, लोगों से फीडबैक लीजिए कि मैं कहाँ पे कम हूँ, कहाँ पे ज्यादा हूँ, क्या हूँ, वो फीडबैक लीजिए, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए, टैलेंट को डेवलप कीजिए, नॉलेज को डेवलप कीजिए, एंड वंस यू आर कन्फर्म यस मेरा अच्छा खासा प्रोडक्ट बन चुका है जो भी है, एंड आई एम रेडी टू गिव सर्विस टू पीपल, और मैं पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, तो उसके बाद आप फटाक से जॉब में भी छोड़ नहीं सकते, तो भी आप मे बी पार्ट टाइम आप उसके अंदर काम कर सकते हो,
एक बार पार्ट टाइम काम कीजिए, अपने जो दोस्त हैं या आपके जो करीब के लोग हैं उनको आपको प्रोडक्ट दीजिए, या फिर मे बी आपने अपने थोड़े से मार्केटिंग के थ्रू अगर कुछ क्लाइंट जमा किए तो आप उनको प्रोडक्ट फ्री में नहीं देना है, आप एक नॉमिनल कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है आपकी आप वो बेच सकते हो। एंड वंस यू कंफर्म यस कि भाई मेरे काम में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है और मुझे कुछ पैसा आ रहा है, एटलीस्ट इतना पैसा आ रहा है कि अपना मैं खुद का गुजारा कर पाऊं, या फिर मैं जितना जॉब से पैसा कमा रहा था एटलीस्ट उतना है उससे आसपास मुझे अगर पैसा आ रहा है, सो नाउ यू आर रेडी टू लीव द जॉब एंड यू कैन एंटर इनटू फुल टाइम प्रोफेशन, जो कि मैंने भी किया था, राइट। एंड और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपके पास कंसिस्टेंटली क्लाइंट या फिर कंसिस्टेंटली वर्क फ्लो आना चाहिए, उसके लिए आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप क्रिएट कर सकते हो और रेफरेंस स्ट्रेटेजीज आप क्रिएट कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं कैसे पहुंचूं और अपने खुद को अपग्रेड कर सकते हो। और भले ही आपका प्रोडक्ट, जैसे आज हमारा प्रोडक्ट अप टू डेट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं लोगों को, बट स्टिल एवरीडे आई कीप ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ, एवरीडे मैं खुद का नॉलेज अपग्रेड करते रहता हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूं तो उसके अंदर मैं फिर से खुद को मैं रिवाइव करता हूँ और ग्रोथ करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको ये कंटिन्यू लाइफ टाइम आपको करते रहना है और उसके इस तरह से आपको मे बी मार्केटिंग थ्रू रेफरेंस के थ्रू आपको क्लाइंट्स लाने हैं और क्लाइंट्स को अच्छी खासी आपको सर्विस देनी है, वो हैप्पी होनी चाहिए ताकि आपके पास मार्केटिंग से भी क्लाइंट आए और रेफरेंस से भी क्लाइंट आए और आपका मार्केट में कहीं नाम भी खराब ना हो, उल्टा जो लोग आपके पास आते हैं वो आपका अच्छा नाम फैलाए। तो इस तरह से आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। बट लास्टली मैं फ्रेंड्स इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप प्लीज सीरियसली लीजिए, अगर आपके अंदर कुछ पैशन छुपा है, कुछ टैलेंट आपके अंदर छुपा है, अगर आपको भले आपके पास थोड़ा उसके अंदर टैलेंट कम हो लेकिन पैशन मुझे उसके अंदर कुछ करके दिखाना है। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं सर मुझे शेयर मार्केट में मुझे करियर बनाना है, आई एम वेरी मच पैशनेट, मुझे बहुत मजा आता है, देखते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ प्रॉपर नॉलेज। सो व्हाट आई टेल देम दैट इवन दो इफ यू डोंट हैव नॉलेज बट यू हैव पैशन, यू हैव गट्स टू कम इन टू मार्केट एंड व्हेन यू हैव मोटिवेशन टू कम इन टू मार्केट डेफिनेटली यू विल लर्न दोस थिंग्स। इवन दो हर कोई इंसान जो भी पैशन है उसका या प्रोफेशन, कोई बचपन से सीखकर नहीं आता या फिर कोई पेट से सीखकर नहीं आता, पैदा होते हैं, राइट, दे हैव टू लर्न दो स्किल्स। सो इफ यू आर पैशन, इफ यू आर मोटिवेशन एंड इफ यू आर रियली एंथुजियास्टिक टू लर्न ऑल दोस थिंग्स, सो डेफिनेटली आप वो नॉलेज डेवलप कर लोगे और आपको ही पता नहीं चलेगा कि आपने वो पैशन को कभी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया और वो पैशन कभी आपका राशन बन गया, मीन्स आपको कभी उसका इनकम आना शुरू हुआ और कभी आपकी ग्रोथ हुई आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि जो मैं जॉब कर रहा था उसमें जो जितना मैं इनकम कमा रहा था उससे कहीं ज्यादा मैं इस बिजनेस में या प्रोफेशन में इनकम कमा पा रहा हूँ, मैं ये काम एंजॉय भी कर रहा हूँ एंड इवन आप लोगों को भी अच्छी सर्विस दोगे। इमोशनली अगर आपका बिजनेस अच्छा सा ग्रो हुआ तो आप बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, जैसे हमने आज बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, इसकी वजह से आपका भी भला हो जाएगा, आप भी हैप्पी हो जाओगे, ओके, एंड क्लाइंट्स भी हैप्पी हो, जिनको जॉब मिली वो भी हैप्पी, इस तरह से हर एक की ग्रोथ होगी एंड ये एक्चुअल में इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो अगर आपने अपने प्रोफेशन को पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और पैशन को जिया तो आप इकोनॉमी को भी ग्रोथ करने में आप हेल्प कर सकते हो, तो इस तरह से आप जरूर आगे जा सकते हो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ये जरूर जो वीडियो है अपने सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप लोगों को, आप अपने फ्रेंड्स को इंस्टा पे आप शेयर कर सकते हो, जरूर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपको देते रहूं। एंड यस, बेल आइकन दबाना मत भूलिए सो दैट ऐसे में कोई वीडियोस डालो तो आपको उसके इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाए। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।